जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे 3BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी तलाश हर मेरे दोस्त को रहती है। जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं दोस्तों, वो लोग इंडिपेंडेंट फ्लोर की बहुत डिमांड करते हैं, और वो फ्लोर अगर 3BHK का हो और वो फ्लोर अगर 100 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर हो और उसका वाइट फ्रंट हो दोस्तों, तो कैसा रहेगा। ये प्रॉपर्टी दोस्तों ठीक वैसी ही है जैसी आप लोग ढूंढ रहे हैं। 30 फीट बाय 30 फीट का आपका ये प्लॉट साइज है दोस्तों। ईस्ट फेसिंग है, मेन मेट्रो लाइन से सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। और अगर बात करें दोस्तों मेट्रो स्टेशन की, तो नवादा मेट्रो स्टेशन यहां से सिर्फ 4 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बहुत प्यारी और अमेजिंग दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार सी विजिट आपके इस 3BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर की। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे बिल्डिंग के ठीक बाहर। मैं आपको दिखाना चाहता हूं सामने की 30 फीट की रोड आपको मिलती है। ये प्रॉपर्टी दोस्तों हमारी ईस्ट फेसिंग है, तो सामने आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग की कंप्लीट धूप आपकी पूरी बिल्डिंग पर यहां पर आ रही है। और पूरी बिल्डिंग की एलिवेशन आप देखेंगे दोस्तों तो HPL शीट और साथ में दोस्तों टाइल वर्क के काम के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। ये एलिवेशन आपको जरूर पसंद आएगी। अब दोस्तों हम लोग मूव करेंगे हमारी बिल्डिंग के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा शॉट दिखाना चाहता हूं जो कि हमने छत से लिया है, जिससे आप देख पाएंगे कि आसपास की लोकेशन कैसी है, मेट्रो कनेक्टिविटी कैसी है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों आसपास के घर कैसे बने हुए हैं। और ये है दोस्तों आपकी पार्किंग, और आप देख सकते हैं दो बड़े बड़े वाइड गेट हमने यहां पर लगाए हैं जिससे कि आपकी गाड़ियों को इजीली आप अंदर ला सकें और इजीली गाड़ियों को बाहर भी निकाल सकें। दोस्तों यहां पर पार्किंग की किसी भी तरह की परेशानी कभी भी नहीं रहने वाली, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर, इस पार्किंग के अंदर लगभग 6 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, जबकि यहां पर सिर्फ 4 ही लोगों को हम पार्किंग देने वाले हैं। पूरी पार्किंग के अंदर आप देखेंगे तो कोटा स्टोन दोस्तों हमने नीचे लगाया है। अभी यहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन ही बिल्डिंग है, हालांकि इसकी पोजीशन हम लोग 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे, फिर भी दोस्तों थोड़ा सा मैसअप है, लेकिन जब आप यहां आएंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लीनअप मिलने वाला है। पूरी बिल्डिंग में, पूरे पार्किंग में आप देखेंगे कि रूफ हाइट तक आपको यहां पर टाइल्स मिलती हैं दोस्तों। ये टाइल्स भी दोस्तों आपको डिजाइनर लुक में मिलती हैं, और कंप्लीट पार्किंग के अंदर सीलिंग वर्क भी आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कंप्लीट पार्किंग में हमने जो फॉल सीलिंग का काम है दोस्तों वो करवाया है, और LED लाइट एंड कॉब लाइट दोनों ही आपको मिलने वाली है। मैंने अक्सर आपको बताया है दोस्तों कि गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की हर पार्किंग को हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं जिससे कि आप वहां पर कोई छोटा या बड़ा फंक्शन भी इजिली कर पाएंगे। और इंडिपेंडेंट फ्लोर के दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट हैं, 4 ही फैमिलियां रहेंगी तो आप लोगों के लिए भी काफी इजी यहां पर रहने वाला है। इस तरफ आप देखेंगे दोस्तों तो आपको लिफ्ट का सेक्शन मिलता है। आप देख सकते हैं यहां पर लिफ्ट की वर्किंग अभी शुरू हो चुकी है। लिफ्ट का काम भी दोस्तों हम लोग मैक्सिमम विद इन अ मंथ कंप्लीट कर देंगे, यानी कि आपको पोजीशन देने से पहले पहले लिफ्ट भी हम लोग वर्किंग कर देंगे। यहां पर आपको मोटर लगाने के लिए सेक्शन मिलता है दोस्तों। इस एरिया में रेगुलर मीठा पानी आता है, तो आपको दिल्ली जल बोर्ड का पानी रेगुलर मिलता रहेगा। यहां से आपका स्टेयर केस शुरू हो जाता है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि कंप्लीट स्टेयर केस के ऊपर हमने ग्रेनाइट पत्थर लगाया है, और ये भी डबल मोल्डिंग के वर्क के साथ आपको मिलने वाला है। एक और अच्छी बात है दोस्तों आपकी इस बिल्डिंग में, और वो है ये शॉफ्ट। लिफ्ट के ठीक पीछे हमने आपको एक ओपन एरिया दिया है। ये ओपन एरिया दोस्तों लगभग 6 फीट बाय 2 फीट का है, और ये कंप्लीट रूफ हाइट तक दोस्तों पूरी बिल्डिंग पर ये रेगुलर इसी तरह से आएगा दोस्तों, जिससे कि पूरी वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन आपकी जो फ्लोर है उनको मिलने वाला है। और यहाँ आप देखेंगे दोस्तों कि कंप्लीट स्टेयर केस में हमने टाइल वर्क करवाया है, क्योंकि जीना चढ़ते वक्त जो हमारे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो हाथ लगाते हैं, और जीना गंदा होता है दोस्तों, जिसे कि मेंटेन रखने में काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी शानदार लुक की जो टाइल्स हैं वो लगवाई हैं, जिससे आपको कभी भी बिल्डिंग को मेंटेन रखने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए दोस्तों अब मूव करते हैं आपके इंडिपेंडेंट 3BHK फ्लैट के अंदर। यहां से एंट्री है दोस्तों आपके इस 3BHK फ्लैट की, और इस फ्लैट में एक अच्छी बात ये भी है दोस्तों कि जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि दोस्तों अगर आप किचन की बात करेंगे, या फिर बेडरूम की बात करेंगे, या फिर आपकी एंट्रेंस की बात करेंगे, हर चीज आपको वास्तु के लिहाज से मिलने वाली है। यहां से दोस्तों जब आप एंट्री करेंगे तो आपका फेस ईस्ट की तरफ रहने वाला है, जिससे कि आपकी जो एंट्री है वो वास्तु के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट मिलती है। और उसके बाद मिलता है दोस्तों आपको ये शानदार स्पेस, जिसको आप लिविंग स्पेस भी कहते हैं दोस्तों, और उसके साथ साथ आपको डाइनिंग स्पेस भी यहां पर मिलता है। साइज की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 11 फीट बाय और 20 फीट का दोस्तों आपको ये कंप्लीट एरिया मिल जाता है, और आप देख भी पा रहे होंगे कि यहां पर आपको यू टाइप का सोफा लगाने के लिए बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है।
इतने बड़े लिविंग स्पेस में बहुत इजीली दोस्तों आप 12 से 15 लोगों की सीटिंग दे सकते हैं। बीच में आपकी सेंटर टेबल आएगी, पीछे की एक वॉल आप देख सकते हैं आपको डिजाइनर मिलती है। इस तरफ दोस्तों आपको एसी की फिटिंग मिलती है, आपको सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर ही इंस्टॉल करना है। और अगर बात करें हमारी सीलिंग की तो कंप्लीट सीलिंग को बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है दोस्तों, विद एलईडी लाइट, विद कोब लाइट एंड विद प्रोफाइल लाइट। ये सीलिंग दोस्तों आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाली है क्योंकि गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने इस फ्लैट को बिल्कुल नए कंसेप्ट के साथ रेडी किया है। और आप देख सकते हैं कि वॉल्स पर भी आपको यहाँ पर जो पैटर्न मिलने वाला है प्रोफाइल लाइट्स का दोस्तों, ये भी बहुत अमेजिंग मिलने वाला है। यहाँ दोस्तों आपकी सोफे की सीटिंग रहेगी और सोफे की सीटिंग के ठीक सामने आपको बहुत प्यारा सा और खूबसूरत सा एलईडी पैनल मिलने वाला है। ये एलईडी पैनल दोस्तों काफी बड़ा है, यानी कि बड़े साइज का टीवी भी आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर 55 इंची 60 इंची तक का टीवी दोस्तों बहुत आराम से लगा पाएंगे। और नीचे आप देखेंगे कि आपको ड्रॉट्स मिलती है दोस्तों, यानी कि जो स्टोरेज है वो भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। कंप्लीट एलईडी पैनल की जो लुक है दोस्तों, जो इसकी फील है, ये भी आपको बहुत प्यारी लगेगी क्योंकि इसको डिजाइन बहुत अच्छे और खूबसूरत तरीके से हमने आपके लिए किया है। इस तरफ आप देखेंगे कि आपको जो फोकस लाइट्स है दोस्तों वो मिलती है और ऊपर की तरफ भी आपको एक ओपन स्पेस मिल जाता है जहां पर आप अपना कोई भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। और इस लिविंग स्पेस के साथ ही दोस्तों आपको मिलता है आपका डाइनिंग स्पेस। ये डाइनिंग स्पेस आपकी किचन के ठीक सामने है। 4-सीटर डाइनिंग टेबल आप यहां पर बहुत आराम से और प्यार से लगा सकते हैं दोस्तों। और यहां पर दोस्तों हमने आपको स्विच एंड सॉकेट भी दिया है और डाइनिंग टेबल के ठीक पास में हमने एलईडी प्रोफाइल भी आपको यहां पर दी है दोस्तों, जिससे कि डाइनिंग करते वक्त यानी कि अपना खाना खाते वक्त दोस्तों आपको काफी अच्छा फील आए। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करने वाला हूं सबसे अमेजिंग चीज की, जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत ज्यादा डिमांड रहती है दोस्तों, और वो है हमारा टेंपल स्पेस। तो यहां पर दोस्तों अपना मंदिर आप बना सकते हैं, भोलेनाथ को विराजमान कर सकते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा स्पेस आपको मिल जाता है, नीचे और ऊपर आपको स्टोरेज भी मिलती है दोस्तों। अभी ये मंदिर कंप्लीट नहीं है, इसमें दोस्तों अभी काफी काम होना बाकी है, मंदिर की डिजाइनिंग होनी बाकी है, एलईडी लाइट्स लगनी बाकी है दोस्तों। तो बहुत प्यारी सी गेटअप दोस्तों आपके इस मंदिर की आपको मिलने वाली है। और उसके ऊपर दोस्तों आप देखेंगे कि आपको एक फोकस लाइट भी दी गई है, जिससे कि काफी अच्छी फील आपके इस मंदिर में आपको मिले। ये है दोस्तों हमारा लिविंग स्पेस, जिस लिविंग स्पेस में आपने देखा कि सोफा आपका कहाँ लगेगा, आपका एलईडी पैनल किस तरफ है, आपका डाइनिंग टेबल कहाँ लगेगा दोस्तों, और उसके अलावा आपका मंदिर कहाँ पर है। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट अवेटेड पार्ट की, यानी कि हमारी किचन की। किचन दोस्तों हमारी बहनें बहुत ध्यान से देखती हैं कि किचन कैसी है, कितनी बड़ी है और कितनी खूबसूरत बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी अमेजिंग किचन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये किचन दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा वास्तु के लिहाज से काफी परफेक्ट आपको मिलती है। ईस्ट फेसिंग की दोस्तों आपकी किचन है और आप देख सकते हैं कि ईस्ट की तरफ ही आपकी दो विंडो भी हैं। मॉर्निंग के अंदर जब धूप आएगी दोस्तों तो डायरेक्टली आपकी इन विंडो से आपके किचन के अंदर आपको मिलने वाली है। साइज की अगर बात करें दोस्तों तो लगभग 8 फीट बाय और 12 फीट की आपको ये किचन मिलती है दोस्तों। ये कंप्लीट किचन एक रूम साइज की है। और डिजाइनिंग पार्ट की अगर बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं एक ओवरव्यू, एक लुक आप देख सकते हैं दोस्तों कि व्हाइट और बहुत प्यारा सा और ग्रीन कलर में दोस्तों बहुत अल्टीमेट आपकी लुक मिलेगी आपको इस किचन की। और इसके अलावा बात करूं दोस्तों कि कहां पे क्या चीज आने वाली है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फ्रिज के स्पेस की। काफी बड़ा स्पेस दिया गया है दोस्तों आपके फ्रिज के लिए। आप देख सकते हैं कि डबल डोर का फ्रिज भी आप यहां पर इजीली लगा सकते हैं। पीछे की तरफ दोस्तों आपको टाइल वर्क मिलेगा, साथ में स्विच एंड सॉकेट मिलेंगे। और इसके अलावा दोस्तों ऊपर की तरफ आपको यहां पर स्टोरेज भी मिल जाती है। इस किचन में दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम स्टोरेज दे पाए और इसी लिहाज से दोस्तों हमने हर जगह आपको स्टोरेज दी है, नीचे भी और ऊपर भी। आप देख सकते हैं जितना भी हमने काम किया है दोस्तों वो बहुत यूनिक क्वालिटी का है। हल्का सा भी आप टच करेंगे दोस्तों और आप इजीली आपकी ये जो ड्रॉर्स हैं ये बंद हो जाएंगी। इसमें जितना भी दोस्तों काम किया गया है, जितने भी कब्जे यूज किए गए हैं, जितने भी दोस्तों चैनल यूज किए गए हैं, वो सारे के सारे हाई क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको पेंट्री मिलती है, पेंट्री की भी काफी हाई डिमांड रहती है। इसके अंदर दोस्तों अभी स्टील के जो ब्रैकेट्स हैं वो लगने हैं, बाकी हैं वो लग जाएंगे दोस्तों, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमने इसके लिए स्पेस ओपन रखा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पेंट्री आपको मिलने वाली है। पेंट्री की भी दोस्तों बहुत डिमांड रहती है, हमारी बहनें बहुत पेंट्री की डिमांड करती हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये पेंट्री भी आपको जरूर पसंद आएगी। इसके अलावा दोस्तों जो अपर पार्ट है हमारा, इस पर भी आप देखेंगे तो आपको जो स्टोरेज मिलेगी ये काफी शानदार मिलने वाली है। हाइड्रोलिक हमने इस्तेमाल किए हैं दोस्तों, जिससे कि जब आप इसे ओपन करेंगे ये ओपन ही रहेगा और हल्का सा पुश करेंगे दोस्तों तो इजिली आप इसको क्लोज भी कर पाएंगे। ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे कि आपको हमने यहाँ पर दोस्तों काफी सारे शटर्स लगा कर दिए हैं और अंदर और बाहर दोनों तरफ दोस्तों माइका का इस्तेमाल किया है।
ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको लाइट वर्क मिलेगा, फोकस लाइट्स आपको मिलेंगी, जिससे कि जब भी इन कैबिनेट्स को आप ओपन करेंगे तो अंदर आपको प्रॉपर रोशनी मिलने वाली है। इस तरफ की कैबिनेट्स दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से हमने इसे ओपन रखा है। इसमें दोस्तों कुछ फैंसी क्रॉकरी आप रख सकते हैं, कुछ ऐसा रख सकते हैं जो विजिबल हो और जो अच्छा लगे। किचन को एक बहुत प्यारी सी गेटअप देने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसे ओपन रखा है। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों हमारी चिमनी की, तो यहाँ पर ईस्ट फेसिंग की तरफ आपकी चिमनी लगने वाली है। जब आप खाना बनाएंगे तो आपको दोस्तों फेस ईस्ट की तरफ रहने वाला है, यानी कि वास्तु के लिहाज से दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और यहाँ जो चिमनी लगेगी दोस्तों वो चिमनी भी आपकी काफी हाई क्वालिटी की लगने वाली है। इलेक्ट्रिकल वर्क भी दोस्तों हमने जगह जगह करवाया है, आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको दो स्विच एंड सॉकेट मिलते हैं। इस तरफ भी दोस्तों आपको पावर का स्विच एंड सॉकेट मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें हमारे सिंक की, तो यहाँ पर हमने सिंक लगाया है दोस्तों जो कि साउंड प्रूफ सिंक है। जितने भी यहाँ पर टैप लगेंगे दोस्तों वो सारे के सारे हाई क्वालिटी के लगने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं गर्म पानी, ठंडे पानी, डायरेक्ट पानी और उसके अलावा आरओ या फिर वाटर प्यूरिफायर लगाने के लिए भी दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोविजन मिल जाता है। इस किचन में दोस्तों हमने जो फॉल्स सीलिंग दी है उस पर भी खास हमने ख्याल रखा है। आप देख सकते हैं विद एलईडी लाइट, विद कॉप लाइट दोस्तों आपको आपकी ये फॉल्स सीलिंग मिलती है। और बीच में दोस्तों हमने फैन लगाने के लिए भी आपको प्रोविजन यहाँ पर दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि हमारी बहनों को और आपको ये किचन जरूर पसंद आएगी। इनकेस आपको पसंद आती है दोस्तों तो लाइक बटन हिट जरूर करें। किचन के बाद दोस्तों अब हम चलने वाले हैं हमारे पहले बेडरूम के बारे में। और ये बेडरूम दोस्तों काफी बड़ा है, काफी शानदार है। साइज की अगर बात करें तो लगभग 14 फीट बाय और ऑलमोस्ट 10.5 फीट का दोस्तों आपको ये बेडरूम मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने टाइल वर्क यूज किया है ये व्हाइट बेस की टाइल्स यूज की है दोस्तों, डिजिटल टाइल्स है, हाई ग्लोस की टाइल्स है दोस्तों, आपको ये जरूर पसंद आएंगी। अगर हम बात करें आपके बेड के स्पेस की तो आप देख सकते हैं कि आपको कंप्लीट वॉल मिलती है। 6x6 या 7x7 का बेड भी दोस्तों बहुत आराम से आप यहां पर लगा सकते हैं। बेड के दोनों तरफ आपको स्विच एंड सॉकेट मिलते हैं दोस्तों, पीछे बहुत प्यारा सा डिजाइनर वॉल मिलती है दोस्तों, यानी कि आपको वॉलपेपर मिलता है। सीलिंग की अगर बात करें तो सीलिंग का डिजाइन यहां पर भी दोस्तों विद एलईडी लाइट, विद कॉप लाइट और विद प्रोफाइल लाइट बहुत अमेजिंग तरीके से डिजाइन किया गया है। और बेड के ठीक सामने आपको मिलता है दोस्तों आपका टीवी लगाने के लिए स्पेस, और यहाँ पर आपको केबल की फिटिंग मिलती है और साथ में दोस्तों स्विच एंड सॉकेट भी प्रॉपरली मिल जाते हैं, यानी कि अपना टीवी आप यहाँ पर आराम से लगा पाएंगे। इस रूम के अंदर दोस्तों वेंटिलेशन के लिए आपको काफी बड़ी विंडो मिलती है, काफी बड़ी दोस्तों हमारी ये शॉफ्ट है तो प्रॉपर वेंटिलेशन भी आपको यहाँ से मिलता रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों हमने एसी के लिए भी यहाँ पर पॉइंट दिया है, आपको सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर ही इंस्टॉल करना है। और इस रूम में दोस्तों अगर बात करें स्टोरेज की तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कंप्लीट वॉल टू वॉल आपको स्टोरेज मिलती है, काफी बड़ी दोस्तों आपको वार्डरोब मिलती है। और ये जो वार्डरोब है दोस्तों ये स्लाइडिंग में है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और प्यारी दोस्तों आपको स्टोरेज मिलती है। 3-6-4 लोगों के जो क्लोथिंग है दोस्तों वो आप यहाँ पर इजिली रख सकते हैं। अंदर आपको ड्रॉर्स मिलती है, ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे कि आपको कैबिनेट्स मिलती है और यहाँ भी दोस्तों आप ऐसा सामान रख सकते हैं जो आपके कम यूज होता हो। और उसके अलावा हमें मालूम है दोस्तों हर घर में बच्चे भी रहते हैं और लगभग घरों में दोस्तों वर्क फ्रॉम होम करने वाले भी हमारे भाई और बहन हैं, तो उनके लिए दोस्तों हमने ये कॉर्नर डिजाइन किया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ हमने इसे डिजाइन किया है। आप यहाँ पर बैठकर अपना काम आराम से कर सकते हैं या फिर बच्चे दोस्तों आराम से स्टडी कर सकते हैं। इस तरफ आपको जो ड्रॉर है दोस्तों ये मिलती है, नीचे भी आपको एक कैबिनेट मिल जाती है और ऊपर की तरफ हमने बुक शेल्फ दी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार बुक शेल्फ है, काफी बुक्स आप यहां पर भी इजीली रख सकते हैं। और साथ में स्विच एंड सॉकेट भी आपको मिलता है जिससे कि अपना लैपटॉप आप यहां पर इजीली चार्जिंग पर लगा सकते हैं। तो हर चीज का दोस्तों हमने ख्याल रखा है इस पूरे फ्लैट के अंदर और गुरु महादेव रियल एस्टेट दोस्तों हमेशा ही आपकी जरूरतों का ख्याल रखता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे वॉशरूम की। ये जो वॉशरूम है दोस्तों इसकी एंट्री दोस्तों आपके इस रूम से भी है और इसके अलावा इसकी कॉमन एंट्री भी है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं आपके वॉशरूम के अंदर। तो यहां से एंट्री है दोस्तों आपके इस वॉशरूम की और यहां से भी एंट्री है आपके इस वॉशरूम की, यानी कि अगर आप चाहते हैं इसे रूम के साथ दोस्तों यूज करना तो कर सकते हैं और अगर आप कॉमन यूज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आपके इस अमेजिंग वॉशरूम की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके साइज की, तो 8 फीट बाय और 5 फीट का दोस्तों इसका साइज आपको मिलता है। इतने बड़े वॉशरूम रेयर ही देखने को मिलते हैं। और इस वॉशरूम के अंदर दोस्तों जो टाइल वर्क का यूज किया गया है दोस्तों, जो कॉम्बिनेशन दिया गया है ये भी आपको जरूर पसंद आएगा। नीचे आपको दोस्तों नॉन स्लिपरी टाइल मिलती है जो कि वुडन कलर में है और इसके अलावा दोस्तों उसी से मैचिंग की आपको जो वॉल्स की टाइल है ये मिलती है। बीच में दोस्तों हमने डिजाइनर यानी कि हाइलाइटेड टाइल्स का इस्तेमाल किया है।
यहाँ पर दोस्तों जितनी भी टाइल हमने यूज की है ये बड़े साइज की है, तो काफी अच्छी और शानदार गेटअप आपको मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके वेंटिलेशन की, तो काफी बड़ी विंडो आपको यहाँ पर मिलती है, एग्जॉस्ट लगाने के लिए स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है, और यहाँ आप देखेंगे दोस्तों आपको हेड शावर मिलता है। हेड शावर यहाँ पर आपको हम लोग लगा कर देंगे। इस वॉशरूम में दोस्तों बड़ा होने की वजह से काफी सारी चीजें आपको अच्छी मिलती हैं, उसमें से दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि आपको जो बेथिंग एरिया है ये बिल्कुल सेपरेट मिल जाता है। बेथिंग एरिया दोस्तों आप इसको अगर चाहते हैं तो टफन ग्लास लगाकर बिल्कुल सेपरेट भी कर सकते हैं इनकेस अगर आप चाहते हैं। बीच में आपको दोस्तों डिजाइनर लुक का बहुत प्यारा सा जो वॉश बेसिन है दोस्तों वो मिलता है, विद वैनिटी मिलता है, और वैनिटी भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको काफी बड़े साइज की यहाँ पर मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो स्पेस है ये हमारी कमोड का है, और आप देख सकते हैं कि कमोड भी आपको यहाँ पर वॉल हैंगिंग मिलने वाली है, और उसके ऊपर दोस्तों आपको दो नीश मिलती है, यानी कि यहाँ भी दोस्तों आपकी जो वॉशरूम है इसको भी किस तरीके से अच्छा किया जाए उसके लिए हमने पूरी कोशिश यहाँ पर की है। और इस तरह दोस्तों आपको गीजर का पॉइंट मिलता है, आपको सिर्फ अपना गीजर इंस्टॉल करना है। तो ये है दोस्तों आपका शानदार बड़ा और अमेजिंग वॉशरूम। वॉशरूम के बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड बेडरूम के बारे में, और ये सेकंड बेडरूम दोस्तों हमारा फ्रंट की तरफ है, यानी कि इसके साथ हमारा बालकनी का एक्सेस भी आपको मिलता है। और ये रूम भी दोस्तों आप देखेंगे तो काफी बड़ा और शानदार आपको मिलने वाला है, ऑलमोस्ट 15 फीट बाय और 11 फीट का दोस्तों आपको ये बेडरूम मिलता है। और इस बेडरूम के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे बेड की प्लेसमेंट की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 6x6 या 7x7 का बेड भी दोस्तों आप यहां पर इजीली लगा सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों एक वॉल आपको डिजाइनर मिलती है, बेड के साथ में आपको स्विच एंड सॉकेट मिलते हैं दोस्तों, और बेड के ठीक सामने आपको बहुत अमेजिंग और बहुत बड़ा दोस्तों LED पैनल यहां भी मिलता है, काफी बड़ा सरफेस आपको मिलता है दोस्तों, और यहां भी आप अपने जो बड़े साइज का TV है बहुत इजीली लगा सकते हैं। नीचे दोस्तों आप देखेंगे स्विच एंड सॉकेट आपको मिलती है, और उसके नीचे दोस्तों आपको ड्रॉस भी मिलती है, यानी कि जो स्टोरेज है वो भी आपको मिल जाती है। वुडन पैटर्न में काफी अच्छी डिजाइनिंग के साथ दोस्तों आपको ये LED पैनल मिलता है। इस रूम के अंदर अगर आप देखेंगे फॉल्स सीलिंग का डिजाइन दोस्तों, तो ये भी आप देखेंगे कि गुरु महादेव व्हीलचेयर प्राइवेट लिमिटेड के हर फ्लैट की तरह यहाँ भी अमेजिंग और अल्टीमेट डिजाइन आपको मिलता है, विद LED लाइट, विद कोब लाइट और विद प्रोफाइल लाइट। और ये जो रूम है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा बाहर का रूम है, तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी विंडो आपको मिलती है, यहाँ पर विंडो AC लगाने के लिए प्रोविजन आपको मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों क्योंकि हमारी ईस्ट साइड है, तो मॉर्निंग की जो धूप है दोस्तों वो डायरेक्टली आपके बेडरूम में आपको मिलने वाली है। और बात करें दोस्तों फ्लोरिंग की, तो इसमें हमने डबल तरह की फ्लोरिंग इस्तेमाल की है दोस्तों, वुडन फ्लोरिंग भी इस्तेमाल की है, और साथ में दोस्तों जो लाइट बेस की फ्लोरिंग है वो भी हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है। अब बात करेंगे दोस्तों हमारे स्टोरेज की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको काफी बड़ी स्टोरेज मिल जाती है दोस्तों, और साइज की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 6.5 फीट बाय और रूफ हाइट तक की ये स्टोरेज आपको मिलती है। बहुत प्यारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों आपकी ये वार्डरोब बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों दो अलग अलग पैटर्न में आपको ये वार्डरोब मिलती है, दो अलग अलग पार्ट्स में दोस्तों आपको ये वार्डरोब मिलती है। अंदर भी आप देखेंगे कि आपको जो ड्रॉअर है दोस्तों वो लगा कर देंगे, क्लॉथ को हैंग करने के लिए भी दोस्तों आपको स्पेस मिलता है, और नीचे भी आपको काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है दोस्तों। और इसमें भी हमने हाइड्रोलिक्स यूज किए हैं, आप हल्का सा आप पुश करेंगे दोस्तों और ये इजिली बंद हो जाएंगे। और इसी तरह से आपको यहाँ भी कंप्लीट वार्डरोब मिल जाती है दोस्तों, और इस वार्डरोब के ऊपर भी आपको स्टोरेज मिलती है। आपने दोस्तों नोटिस किया होगा कि हमारा सेकंड बेडरूम है जहां पर हमें इतनी बड़ी वार्डरोब मिलती है, और इस बेडरूम के साथ भी दोस्तों हमारा एक वॉशरूम अटैच है। मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों आपको, ये आपका सेकंड वॉशरूम, और ये सेकंड वॉशरूम भी दोस्तों साइज के लिहाज से पहले ही वॉशरूम की तरह बिल्कुल सेम है दोस्तों, काफी बड़ा है, अमेजिंग है और शानदार है। और इसके अंदर दोस्तों हमने डिफरेंट टाइल कलर का इस्तेमाल किया है, और ये टाइल दोस्तों आप देखेंगे कि आपको स्टोन लुक में मिलेंगी। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे स्टोन्स की कटिंग करके दोस्तों यहाँ पर लगाई गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको जो फ्लोरिंग है ये वुडन में मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इस तरफ भी आपको जो बेडिंग एरिया मिलेगा ये बिल्कुल सेपरेट मिलने वाला है, डाइवर्टर्स की फिटिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों। इस तरफ आपको शॉफ्ट मिलती है, एग्जॉस्ट फैन आप यहाँ पर इजिली लगा सकते हैं, हैंड शावर आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों, सीलिंग के डिजाइन बहुत परफेक्टली आपको यहाँ पर मिलते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इस तरफ आपको जो वॉल हैंगिंग शीट है दोस्तों वो मिलने वाली है, यहाँ पर आपको नीश मिलती है दोस्तों विद LED लाइट, जिससे कि यहाँ पर अपना कोई भी डेकोरेटिव आइटम आप रख सकते हैं और अपने वॉशरूम को भी दोस्तों काफी अच्छा बना सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे आपको डिजाइनर लुक का वॉश बेसिन मिलता है दोस्तों। अभी दोस्तों फिटिंग्स नहीं लगी है, लेकिन जितने भी फिटिंग्स यहाँ लगने वाली है वो सारी की सारी हाई क्वालिटी की लगने वाली है। ये दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम था,
और सेकंड बेडरूम की बालकनी से ही हम चलेंगे दोस्तों आपके थर्ड बेडरूम की तरफ और देखेंगे कि आपकी बालकनी और बाहर का व्यू कैसा है। तो ये दोस्तों आपकी बालकनी है और बालकनी का जो साइज है ये लगभग 20 फीट by 3.5 फीट का है दोस्तों, यानी कि काफी बड़ी बालकनी आपको मिलती है। स्टील की रेलिंग आपको यहाँ पर मिलती है, टफन ग्लास आपको यहाँ पर मिलते हैं। बाहर की लोकेशन दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ, 30 फीट की आपको वाइड रोड मिलती है। ईस्ट फेसिंग होने की वजह से प्रॉपर धूप भी आपको यहाँ पर मिलेगी। एलिवेशन की अगर बात करें तो लाइट ग्रे कलर की दोस्तों टाइल्स आपको यहाँ पर मिलती है। सीलिंग की अगर बात करें तो HPL शीट का काम आपको मिलता है दोस्तों, और वो भी विद फोकस लाइट्स। और यहाँ से दोस्तों अब हम चलने वाले हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी हमने आपको स्विच एंड सॉकेट दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको वॉशिंग एरिया मिलता है, स्विच एंड सॉकेट यहाँ भी अगेन दिया गया है, टैब आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, और पानी निकलने के लिए जगह भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए मूव करते हैं आपके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये है दोस्तों आपका थर्ड बेडरूम, और थर्ड बेडरूम भी दोस्तों काफी स्पेशियस है, शानदार है। 12 फीट बाय और ऑलमोस्ट 10.5 फीट का दोस्तों इसका साइज है। इस बेडरूम में भी दोस्तों काफी बड़ी विंडो आपको मिलती है, और यहाँ की जो विंडो है दोस्तों इसको हमने लो हाइट रखा है, जिससे कि पूरी धूप आपके बेडरूम में आ सके और बेडरूम से आपके लिविंग स्पेस में भी जा सके। और ऊपर आप देखेंगे कि आपको विंडो एसी लगाने का स्पेस यहाँ पर दिया गया है, साथ में स्विच एंड सॉकेट भी आपको मिलता है। और इस बेडरूम के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें हमारे बेड की प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर इजिली आप 6x6 या 7x7 का बेड लगा सकते हैं दोस्तों, और बेड के ठीक साथ में ही हमने आपको स्विच एंड सॉकेट का प्रोविजन भी दिया है। सीलिंग की अगर बात करें तो बहुत प्यारा डिफरेंट यूनिक दोस्तों आपको सीलिंग का डिजाइन भी आपके इस बेडरूम में मिलने वाला है। और बेड के ठीक सामने दोस्तों अगेन आपको एक टीवी पैनल मिलता है, और ये टीवी पैनल भी दोस्तों हमने बिल्कुल डिफरेंट लुक और डिजाइन में बनाया है। आप देख सकते हैं कि अगेन कंप्लीट फिटिंग के साथ आपको मिलता है, और नीचे भी दोस्तों आपको एक ओपन शेल्फ मिलती है और साथ में दो ड्रॉर्स भी मिल जाती है। तो बहुत प्यारा और खूबसूरत सा दोस्तों आपका ये बेडरूम है, आपको ये जरूर पसंद आएगा। और इस बेडरूम में भी दोस्तों हमने आपके लिए एक वार्डरोब बनाई है, और आप देख सकते हैं कि ये वार्डरोब भी काफी बड़ी है, अमेजिंग है और शानदार है। इस वार्डरोब को दोस्तों हमने जो बाहर की बालकनी है उस तरफ ले लिया है, जिससे कि अंदर का स्पेस खराब ना हो, और यहाँ पर भी आपको स्टोरेज के लिए काफी अच्छी खासी जगह मिल जाती है। और इसमें दोस्तों हमने जो हाइड्रोलिक कब्जे हैं वो इस्तेमाल किए हैं। तो ये है दोस्तों आपका अमेजिंग फ्लैट। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपका ये फ्लैट आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि इतने वाइड फ्रंट की प्रॉपर्टी बहुत रेयर ही मिलती है दोस्तों। 30 फीट का वाइड फ्रंट है, ईस्ट फेसिंग है दोस्तों, मेन मेट्रो लाइन से सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। मेन मेट्रो स्टेशन से दोस्तों जो कि नवादा मेट्रो स्टेशन है, मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स का या मैक्सिमम 5 मिनट्स का दोस्तों वॉकिंग डिस्टेंस आपको मिलता है। मनसाराम पार्क की ये लोकेशन है दोस्तों, बी ब्लॉक का ये एरिया है जो कि बिल्कुल मेन मेट्रो लाइन के साथ का एरिया है। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड है दोस्तों, विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है, और इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट फ्लोर आपको मिलता है। बहुत तेजी से दोस्तों हमारे इंडिपेंडेंट फ्लैट बुक होते हैं, जैसे ही आप वीडियो देखें दोस्तों जल्दी से कॉल कीजिएगा, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। और अब बात करेंगे दोस्तों इसकी कीमत की, जितनी प्राइम लोकेशन की चीज है दोस्तों उसके लिहाज से इसकी कीमत काफी वाजिब रखी गई है। इसकी जो कीमत हमने रखी है दोस्तों वो एक ही कीमत है, और वो है 65 लाख रुपीज। 65 लाख रुपए में दोस्तों आपको आपका ये इंडिपेंडेंट अमेजिंग फ्लैट आपको मिल सकता है। इस फ्लैट से रिलेटेड दोस्तों किसी भी तरह की क्वारी के लिए कॉल करना ना भूले अब अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर। गुरु महादेव रियल स्टेट दोस्तों पिछले 13 सालों से लगातार आप लोगों के लिए इसी तरह के प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे फ्लैट बनाते रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। और रिसेंटली ही दोस्तों गुरु महादेव रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने काफी अच्छे अच्छे प्लॉट परचेज किए हैं आपके सपनों का घर बनाने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि इनकेस अगर आप एडवांस बुकिंग में चाहते हैं तो भी हमारे पास आपको दिखाने के लिए काफी सारे ऑप्शन हैं। तो विजिट करना ना भूलें दोस्तों आप अपने गुरु महादेव रियल स्टेट के ऑफिस पर। तो जल्दी ये दोस्तों मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।